Very personal. You had serious talks, so let me ask you your desire to work with Samantha. On a my, note. my desire to work with Samantha. Uh -huh. What about it? You want to work with her. You want to work with her. <laughs> Shahid wants to work with. Uh, I want to work uh, with a lot of heroines. Yes, of course. <laughs> I had read somewhere, so I asked you. Oh, like that? Yeah. Yes, that was because it was related to Rajin D K and Family Man, and mm -hmm. yes, of course. I mean, she's tremendous. Okay, my la my question to Go Gotham. Uh, for RR, you know, Langana, Hydra, I want मुझे ना मेरे uh, काफी एक uh, बहुत करीबी बहुत सीनियर फैमिली मेम्बर थे उन्होंने कहा था जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है दे आर लाइक यू नो वेरी स्ट्रोंग ट्रीज़ और अगर आप देखें जब भी जोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं छोटे पेड़ नहीं गिरते वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं और बड़े पेड़ जो होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल यू नो एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आप बहुत आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी यू नो टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी कभी फेलियर आएगी तो लाइफ में आप चलते रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि, कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है बिकॉज़ इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे हलवा बनाएंगे उसका ज़िंदगी भी तो जीनी है या yeah, अभी uh, थोड़ी देर पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के uh, एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या एम्बाइब की है अपने पापा से uh, बतौर एक्टर या बतौर सन uh, क्या बताना चाहेंगे वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने एम्बाइब की उनसे उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आ, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो एम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है वो मैंने अपने डैड में देखा है वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही आ, हर अप्रोच हर फिल्म को हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं और आ, उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात मैंने